खुशी, इनायत, सुकून, ये कुछ ऐसे जज्बात हैं जिनकी खोज में हर इंसान रहता है। जितने लोग हैं उतने तरीके हैं इसे हासिल करने के। एक चेहरे की मुस्कुराहट ही तो है जो इंसान से इतना कुछ करवाती है। बस हमें ये जानना होता है कि ये असल मुस्कुराहट कहाँ मिलेगी। इन्हीं अलग अलग खुशियों की परिभाषा जानने के लिए आइए चलते हैं दिल्ली की सबसे मशहूर जगह कनॉट प्लेस। वंशिका, एंड व्हाट डू यू डू? आई एम इन थर्ड ईयर बीकॉम डूइंग एंड आई एम लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। आई वांट टू नो कि आपकी डेली स्ट्रगल्स क्या हैं, मतलब जैसे दिन में जो जो चीज़ें करते हो तो आपको क्या उसमें स्ट्रगलिंग क्या लगता है कि आपके लिए क्या स्ट्रगल है? मेरे लिए स्ट्रगल तो सबसे ज़्यादा होता है कि सुबह उठना, क्योंकि ये सबका स्ट्रगल है बेसिकली कि सुबह उठना होता है, इधर उधर जाना, क्लासेस लेनी है। मतलब मेरी मम्मा एक सिंगल पेरेंट है, मेरा ब्रदर एक डिसेबल चाइल्ड है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक मिडिल क्लास फैमिली में। लोगों को लगता है कि बहुत इजी लाइफ जी रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सुबह उठना है, फैमिली को देखना है, दूर से सबको लगता है कि वो बहुत खुश है ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको उठ के इधर जाना है, क्लास लेनी है, घर को देखना है, सब कुछ है। एंड द सेम वे जैसे आपका डेली रूटीन में आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, क्या आपको एक ऐसी चीज़ क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है? आई लव डॉग्स एंड मेरे यहाँ पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं ना, मैं उन सबको फीड करती हूँ। मतलब आई लव देम एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना। मतलब उन्हें कोई भी हर्ट करता है ना, आई फाइट फॉर देम सीरियसली। ऑल्सो कि आपकी जैसे हमारी लाइफ में हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, मोबाइल फोन एंड एवरीथिंग, इफ दे आर टेकन अवे फ्रॉम यू देन हाउ विल यू सर्वाइव? आई कांट लिव विदाउट माई सेल फोन, सीरियसली आई कांट। कैसे करिए ना, गूगल होगा, कुछ टूरना है मैप चाहिए, कहीं जाना है कुछ भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन गूगल से चाहिए, कुछ भी नहीं होता हमारे बस बिना फ़ोन के हम कुछ कर ही सकते। बट ये कि हाँ, अगर जैसे जो मिडिल जो स्लम्स में रहते हैं वो विदाउट वो अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं। ज़िंदगी चुनौतियाँ सबको देती है, मगर उन्हें इस्तेमाल कर हम कैसे आगे बढ़ते हैं, यही हमें हमारी खुशियों की ओर ले जाते। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो? मेरा नाम मुकेश कुमार केसरी हुआ और हम नींबू पानी शिकंजी बेचते हैं, ठंडी में चाय भी बेच लेते हैं। क्या क्या चीज़ें करके आपको बहुत खुशी मिलती है, अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं? अच्छी चीज़ें तो हम जो है थोड़ा सा बिजनेस करने से खुश हैं, पहले तो अपना ही बिजनेस करते हैं। दूसरी बात थोड़ा दौड़ भाग का काम ज़्यादा हमको पसंद है, तो बिजनेस में दौड़ भाग ही होता है, जैसे भी हम डिलीवरी दौड़ भाग की होता है। लोगों से सुना है कि दुनिया जैसे जैसे आविष्कारों से आगे बढ़ रही है, वैसे ही अमीरों और गरीबों का फासला बढ़ता जा रहा है। किसने खींची है ये लकीर? कौन है ये जिसने फर्क करा है गरीब और अमीर में? गरीब को गरीब सिर्फ इसलिए कह दिया क्योंकि उनके कपड़ों में वो चमक नहीं है? शायद उनकी मुस्कुराहट की चमक को किसी ने महसूस नहीं करा। जरूरी तो नहीं कि एक इंसान अगर पैसे से कमजोर हो तो वो खुश भी ना हो। My name is Idris Ali Khan. I'm from Kashmir. आपके लाइफ में थोड़ी खुशियाँ भी होंगी, जैसे आप दिन में आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश भी करते होंगे, आप उनके बारे में बताएं। तो पहली बात तो मेरी खुशियाँ मेरी स्टडीज़ ही होती हैं, जब मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ या कुछ ऐसे ग्रेड ले आता हूँ तो जिससे घर वाले खुश हो जाते हैं, तो उनकी स्माइल से ही मेरी स्माइल भी अच्छी रहती है। अगर मैं आपसे पूछूँ क्या है आपके लिए खुशी, ऐसा क्या है जो आपको खुश कर सकता है? एक आलिशान बंगला, शायद उसके सर पर छत नहीं है आज, पर अपने बेटे की खिलखिलाती हंसी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है उसे। आज के दौर में हम बस भाग रहे हैं, हमारी ज़रूरतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हमें पता ही नहीं है कि खुशी कैसे मिलेगी। हम अपनी तकलीफ़ों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि खुश रहना भूल ही जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना ही ज़िंदगी है। बहुत ज़रूरी है ये कि हम उन चीज़ों को अहमियत दें जो पैसे की चमक से हमारी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। ये फ़र्क करने की कला कि आज की भागदौड़ में चीज़ों से ज़्यादा इंसानियत को महत्व देना किन्हीं गिने चुने लोगों में है। ऊँचे अरमानों का होना कभी ख़राब नहीं होता, पर उन अरमानों के बदले आपकी खुशी का बलिदान गलत है।